लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने वास्तु शास्त्र का सहारा लिया है। खबर मिली है कि कांग्रेस ने वास्तु एक्सपर्ट की सलाह पर काम करना शुरू कर दिया है। उसी को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। कांग्रेस का वास्तु दोष अभी खत्म नहीं हुआ है। कमलनाथ के बाद अब जीतू पटवारी वास्तु दोष को दूर करने के उपाय कर रहे हैं। अब कांग्रेस कार्यालय का मेन गेट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। आने जाने के लिए साइड वाले दोनों गेट खोल दिए गए हैं। बिल्डिंग के पीछे पड़े कबाड़ को भी हटा दिया गया है। अब यहाँ नई कैंटीन बनाई जा रही है। इधर पूरी बिल्डिंग में रंगाई पुताई का काम चल रहा है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के समय भी कमलनाथ ने वास्तु शास्त्र के हिसाब से बिल्डिंग में कई बदलाव किए थे। हालांकि कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्डिंग में काम होना था वह किया जा रहा है, मगर वास्तु शास्त्र के हिसाब से कार्यालय में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। जो भी हो, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में बदलाव होता जरूर दिख रहा है। अंदर खाने से खबर यह भी है कि आने वाले वक्त में और भी कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नहीं है इसको तो और सुविधाजनक और आधुनिक बनाया जा रहा है, और ये पहले ही भवन अपनी परफेक्शन के साथ है, वास्तु के मुताबिक है, और इसमें थोड़ा कलर वलर कर रहे हैं और अच्छा इसको आधुनिक बना रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।